अस्सलामुअलैकुम, समीका हेयर। आज मैं अपने वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इन द मेडिकल साइंस पर कुछ अपनी डेफिनेशंस को डिफाइन करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, किसी भी बीमारी के अगेंस्ट रेजिस्ट करना, किसी भी बीमारी के अगेंस्ट मज़ाहमत करना, ये इम्यूनाइजेशन कहलाता है। इस कैरीड आउट बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के ज़रिए से ये पूरी दुनिया में बहुत मशहूर होता जा रहा है इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेक्निक्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस एंड अदर डेंजरस डिजीजेस हैव बीन कंट्रोल्ड एंड रेट ऑफ इन्फेक्शन और डेथ ऑफ इन्फेंट्स इज ग्रेटली रिड्यूस इन द होल वर्ल्ड। इस प्रोसेस के ज़रिए से हमारे बहुत सारी जो डेंजरस हमारी डिजीज़ होती है, हेपेटाइटिस जैसे कि पोलियो, स्मॉल पॉक्स, इन पर कंट्रोल किया जा चुका है। और ज़्यादातर जो डेथ ऑफ इन्फेंट्स होती है, जैसे 6 महीने के बच्चे होते हैं, इनकी जो डेथ हो जाती है ना, इस पर भी कंट्रोल किया जा चुका है इम्यूनाइजेशन के ज़रिए। और ये बहुत ज़्यादा हमारे वर्ल्ड में रिड्यूस किया जा चुका है, ये इन सब चीज़ों पर काबू पाया जा चुका है। उसके बाद सबसे पहली बात यह है कि वैक्सीनेशन इन्वेंट किसने की थी। वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एडवर्ड जेनर इन 1795। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था 1795 में। इन दिस प्रोसेस वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम मैनी डेंजरस एंड इन्फेक्टियस डिजीजेस। इस प्रोसेस में वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर। जब भी कोई भी वैक्सीन या कोई भी इंजेक्शन, किसी बीमारी का वैक्सीन किसी भी इंसान के अंदर इंसर्ट की जाती है, तो वो उस बीमारी से लड़ने की उस पर्सन को इतनी हिम्मत देती है, इतनी ताकत देती है। तो ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी बायोलॉजी की फील्ड में, जो कि एडवर्ड जेनर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और बहुत सारे डिजीज़ जैसे कि पोलियो है, हेपेटाइटिस है, स्मॉल पॉक्स है, वो इसके ज़रिए से ख़त्म किए जा चुके हैं, और हम इसको इस पर ओवरकम भी कर सकते हैं। एंटीबायोटिक आर द सब्सटेंस विच आर यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम अ फंगस। एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में प्रिवेंट करते हैं, यानी कि उन्हें उनकी ग्रोथ होने से रोकते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ हमारे अंदर लेकर आते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है हमारे पास पेंसिलिन, जो कि फंगस के ज़रिए से हमें मिली थी, और इसे हम पेंसिलिन नोटेटम कहते हैं। दिस ग्रेट वर्क वॉज डन बाय फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेंसिलिन को एज अ एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस करवाया। दे गॉट नोबेल प्राइज। दीज एंटीबायोटिक्स आर वाइडली यूज टू कंट्रोल मैनी डिजीजेज। उन्हें इस इंट्रोडक्शन के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला जा चुका है। और ये एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जा चुकी हैं डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को, कॉलेरा को, लेप्रसी को, एंथ्रेक्स को, ये सब जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिजीज़ हैं, इनको ख़त्म किए जाने में पेंसिलिन का बहुत बड़ा हमारे पास रोल है। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास होती है केमोथेरेपी। बायोलॉजी ऑलवेज ट्राइज टू डेवलप न्यू मेडिसन्स फॉर द क्योर एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। इन द रीसेंट डेज सम हार्मफुल डिजीज़ लाइक एड्स, कैंसर आर ट्रीटेड विद सर्टेन केमिकल्स। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड केमोथेरेपी। बायोलॉजी हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि कुछ ऐसी नई मेडिसन्स, कुछ ऐसे नए ट्रीटमेंट तैयार किए जाएं जिससे डिजीज़ को ख़त्म किया जाना जो आसान हो जाए। रीसेंट डेज में हमारे पास बहुत सारी हार्मफुल डिजीज़ होते हैं, जैसे कि एड्स हमारे पास बहुत हार्मफुल डिजीज़ माना जाता है, कैंसर है, जिसका ट्रीटमेंट हमने कुछ केमिकल्स को यूज़ करते हुए इनका ट्रीटमेंट हमने किया है। और जो केमिकल को यूज़ करते हुए डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, ये टेक्निक जो होती है वो केमोथेरेपी कहलाती है।